अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल लिटरली फूडी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी बिस्किट डिलाइट, जिसके लिए हमें चाहिए 1 से 2 पैकेट मैंने बिस्किट लिए हैं, मैरी बिस्किट लिए, आप कोई और भी ले सकते हैं। ये एक फ्रेश क्रीम डिलाइट है, इंस्टेंट ये पुडिंग के लिए है, डेरी विप क्रीम है, आप इसके अलावा दूसरी विपिंग क्रीम भी ले सकते हैं। ये कैरमल लिया है मैंने, वनीला फ्लेवर का डेजर्ट, ये इसी तरह यहाँ से बॉक्सेस मिलते हैं, आप भी ले सकते हैं। कंडेंस मिल्क लिया मैंने, फ्रेश क्रीम है और दूध है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो विपिंग क्रीम है उसके 2 सैशे लेंगे, उसको हम बाउल के अंदर डालेंगे। मेरा वाला ये बड़ा बॉक्स था, इसके अंदर 4 सैशे थे, आप नॉर्मल साइज वाला भी देख ले, मीडियम वाला उसके अंदर 2 होंगे। ये 2 मैंने लिए हैं सैशे। इसके साथ मैं दूध डालूंगी, 1 कप दूध मैंने लिया था, इसको थोड़ा थोड़ा सा करके मैं डालूंगी और हम अब इसको विप करेंगे। देखिए 1 कप दूध था, आधा मैंने दूध कप डाला, बाकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से बाद में डालेंगे। और अब हम इसकी विपिंग स्टार्ट करेंगे। क्रीम मेरी थोड़ी सी विप हो गई है, अब मैं इसके अंदर ये कैरेमल वाला जो बॉक्स है ये डालूंगी। कंप्लीट बॉक्स इसके अंदर डाल देंगे, साथ ही मैं इसके अंदर ये वाली जो हमने क्रीम ली थी वो वाली क्रीम डालूंगी, पूरा बॉक्स इस काम डालेंगे। आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसको डालने के बाद मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क लूंगी, 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क के। इसको डालने के बाद जहां हमें जरूरत पड़ेगी दूध की, हम डाल के इसको अच्छी तरह से विप करेंगे। क्रीम का मिक्सचर रेडी हो गया है, आप इसको देखें, ऐसा मिक्सचर हमें चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। इसके बाद हम सेकेंड प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे बिस्किट्स के साथ वाला। अब मैंने एक ट्रे ले लिया है, ट्रे के अंदर अब हम बिस्किट की सेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बिस्किट लेंगे, बिस्किट को हमने दूध के अंदर डिप करना है, सिर्फ 1 डिप देने के बाद हम इसको निकाल के इसको लगा देंगे ट्रे में। इसी तरीके से हम सारे बिस्किट्स को लगाएंगे। ये बिस्किट की मैंने लेयर लगा दी है, ये आप देख लें, 1 सिंगल लेयर लग चुकी है, जहाँ जरूरत थी वहाँ मैंने डबल भी लगा दी है। अब हम इसके अंदर इस क्रीम की लेयर लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे पूरा, ताकि हमारे बिस्किट कवर हो जाएं। एक लेयर लग गई है क्रीम की, अब हम इसके अंदर दोबारा से बिस्किट को डिप करके उसकी सेकेंड लेयर लगाएंगे इस तरीके से, ताकि हमारी डबल लेयर हो जाए। और इसी तरीके से सारी सेटिंग करेंगे बिस्किट सेकंड लेयर की। ये हमने दूसरी बिस्किट्स की लेयर लगा ली, अब हम इसके ऊपर क्रीम की लेयर की सेटिंग करेंगे। इसी तरीके से हमें 3 लेयर्स बनानी है। हमारा क्रीमी बिस्किट डिलाइट रेडी हो गया है, अब हम इसको रेफ्रिजरेटर में आधा घंटे के लिए रखेंगे ठंडा होने के लिए, उसके बाद इसकी डेकोरेशन करेंगे। ये मैंने थोड़ी सी चीनी लेके उसको मैंने बॉईल किया कैरेमल बनाने के बाद, इसके अंदर मैंने बादाम डाले हैं, बादाम को हमने अच्छी तरह से उसके साथ मिक्सअप करने के बाद ये मैंने निकाल लिया है। अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको क्रश करूंगी और अब हम इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। आप भी इसको बना सकते हैं घर में, बाजार से कैरेमल लाने से अच्छा है कि आप इसको खुद घर में बना ले, बहुत ईजी है और बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ये जो कैरेमल वाला बॉक्स हमने डाला था उसके अंदर से ये कैरेमल निकली है, अब मैं इसको इस पे लगाऊंगी। अब हम इसके ऊपर वो बादाम और कैरेमल वाली टॉपिंग जो हमने बनाई थी उसको लगाएंगे। हमारा क्रीमी बिस्किट डिलाइट तैयार है।
उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मजीद रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी रेसिपीज टाइमली आपको मिल सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।